उम्मीदें हैं? चैंबर ऑफ कॉमर्स की क्या कुछ मांग है और वेलोड्रम फूड पार्क जैसे मुद्दों पर उम्मीद क्या कुछ है? भुजिया के तीखेपन और रसगुल्लों की मिठास वाले शहर की क्या है उम्मीदें? इसी पर और ज्यादा बातचीत के लिए सीधे रुख करेंगे बीकानेर का, जहां से हमारे साथ हमारे सहयोगी लक्ष्मण राघव जुड़े हुए हैं। लक्ष्मण, जरा बताइए, कल बजट पेश होना है, किस तरीके की उम्मीदें वहां के लोगों को? देखिए, बिल्कुल ठीक कहा दिव्या आपने। रसगुल्लों की मिठास और भुजिया के तीखेपन वाले शहर को उम्मीद है कि बजट में कुछ ऐसा हो जिससे मिठास बढ़ जाए। और बहुत सारे ऐसे मुद्दे हैं, और दरअसल बीकानेर से दो मंत्री आते हैं, बीटी कल्ला दमदार मंत्री माने जाते हैं, इसके अलावा जो है भंवर सिंह भाटी हैं। तो ऐसे में निश्चित तौर पर, खासतौर पर यहाँ के जो व्यापारी हैं, यहाँ का व्यापार उद्योग मंडल है, उसको बहुत उम्मीद है। पूर्व UIT चेयरमैन है, भाजपा से यदि हम बात करें महावीर का हमारे साथ है, कांग्रेस के महासचिव हमारे साथ है, मक्खन अग्रवाल है जो कहीं ना कहीं बीकाजी ग्रुप से भी जुड़े हैं, तो इन सबसे हम बात करेंगे। विष्णुपुरी है, पर्यटन व्यवसायी है, तो सबसे पहले हम शुरू करते हैं, चूंकि भाजपा से शुरू करते हैं। सब बुराइयां तो होती है, लेकिन फिर भी आप व्यापारी भी हैं, क्या हम राजस्थान सरकार से उम्मीद करते हैं कि जो मेन प्रमुख मुद्दा है बीकानेर का, जो रेलवे की समस्या है, उसका समाधान, स्थायी समाधान हो, ये हम उम्मीद करते हैं। और यहाँ से मंत्री भी आते हैं और हम उनसे उम्मीद करते हैं, उम्मीद रहती है। रेल फाटक की बड़ी समस्या है। कांग्रेस के जो है उनसे हम बात करें, उससे पहले हम इनसे बात कर लेते हैं। व्यापारी होने के नाते और भुजिया पापड़ उद्योग बड़ा उद्योग है, चैंबर ऑफ कॉमर्स से चर्चा भी की थोड़ी देर पहले, क्या कहेंगे, क्या उम्मीद है? बीकानेर के भुजिया पापड़ उद्योग के लिए हमारी काफी सालों से मेगा फूड पार्क की मांग है, वो न तो केंद्र सरकार द्वारा पूर्ति हो रही है, न राज्य सरकार द्वारा हो रही है। और बीकानेर का एग्रो बेस इंडस्ट्री है, वो उसके पीछे पिछड़ रहा है। तो हम पहले ये कहेंगे कि बीकानेर में एग्रो फूड पार्क की स्थापना की जाए, वो नितांत जरूरी है। उसके साथ साजी जो पापड़ के खार में काम आती है, साजी को 200% टैक्स लगा के साजिश के तहत बैन किया गया है, और इसमें कम से कम 5 लाख महिलाएं रोजगार जो घर बैठे पापड़ बेलती है, उनके हितों पर कुठाराघात हो रहा है और उनकी आर्थिक आमदनी कम हो रही है। मैं राज्य सरकार से तुरंत निवेदन करना चाहता हूँ, वो केंद्र सरकार से बात करके इसकी पापड़ की ड्यूटी 200% है, वो खत्म करें। एक बड़ा मुद्दा है ये भी, कांग्रेस की चूंकि आप है, आपको क्या लग रहा है, क्योंकि जब बजट बनता है तो निश्चित तौर पर कांग्रेसियों से भी बातचीत रायशुमारी होती है, क्या लगता है, क्या हो सकता है? बजट तो बहुत शानदार बनेगा, प्रथम बजट है सरकार का। हम भाजपा और कांग्रेस अलग अलग नहीं, हम बीकानेर के शहर की समाधान करवाने के लिए एक साथ हैं। हम भी चाहते हैं रेल फाटकों का समाधान स्थायी हो, साथ साथ में जो कुपोषित बच्चे हैं उनको स्कूलों में एडमिशन होना चाहिए, उनके आहार की व्यवस्था होनी चाहिए, छोटे मंजूले जो दुकानदार हैं उनका 1 लाख तक निःशुल्क इंश्योरेंस हो, उन लोगों को संरक्षण मिले, और ऐसे बहुत सारे जो नीति, शिक्षा नीति के साथ साथ स्वास्थ्य नीति के जो कार्यक्रम है उनका इम्प्लीमेंट होना जरूरी। तो मैं मांग करूंगा सरकार से कि बजट में इन बातों के तौर पर बहुत उम्मीद है इससे। विष्णुपुरी है, क्योंकि आप जुड़े हुए हैं, उपाध्यक्ष हैं चैंबर ऑफ कॉमर्स के, विष्णु जी क्या उम्मीद है, क्या लग रहा है ये होगा, क्योंकि बहुत बात हुई GST के खिलाफ, बहुत सारी चीजें हुई, लेकिन जनता भाजपा के साथ केंद्र में तो थी। बीकानेर की सबसे बड़ी समस्या है बिजली की और पानी की। ये राज्य सरकार में बीकानेर के मंत्री है बीटी कल्ला जी, एक तो बिजली की समस्या, दिन भर बिजली यहाँ पे आती जाती रहती है, और एक PSET के रिजर्वायर की बीकानेर में सख्त जरूरत है, क्योंकि बीकानेर पानी की सप्लाई एकदम गड़बड़ा चुकी है। निश्चित तौर पर आप पर्यटन व्यवसायी हैं विनोद जी, पर्यटन की बात होती है जब बीकानेर का नाम जरूर आता है, क्या लगता है, क्या होना चाहिए? बीकानेर का एक राजस्थान में पर्यटन के क्षेत्र में महत्वपूर्ण स्थान है, लेकिन बीकानेर के जो टूरिस्ट आते हैं वो एक दिन का स्टे है। हम चाहते हैं कि जो आसपास के इलाके जैसे कोलायत है, कत्रियासर है, कोलायत में अभी भी एक मिनी पुष्कर का नाम दे रखा है, लेकिन वहाँ पे अभी जाए तो कोई व्यवस्था नहीं है, कुछ होटल नहीं है। हमारे जो मंत्री है एक बावर सिंह जी भाटी, वो भी कोलायत से बिलोंग करते हैं, वहाँ के विधायक है, अभी मंत्री बन गए, तो हम उम्मीद करते हैं कि कोलायत को पर्यटन रूप में और ज्यादा विकसित किया जाए, पर्यटन रूप में विकसित। तो आपसे एक बात और बात कर लेते, क्योंकि आप UIT के चेयरमैन भी रहे हो, बहुत सारे मुद्दे आते हैं, तो क्या और क्या हो सकता है शहर के लिए? जैसे जैसलमेर नौका बाईपास अभी तक पेंडिंग है, तो मैं माननीय मंत्री जी से, मुख्यमंत्री जी से इस बजट में इसको भी रख के ये नौका जैसलमेर बाईपास को जोड़ा जाए, जिससे ये रिंग रोड हो जाए बीकानेर की। देखिए, हमने बात की दिव्या अलग अलग लोगों से जो चैंबर ऑफ कॉमर्स से जुड़े हुए हैं, भाजपा से हैं, कांग्रेस से हैं, और कहीं ना कहीं सबको उम्मीद नजर आ रही है। देखिए, बजट जो है उम्मीदों पर टिका भी होता है, उम्मीद होती है, उम्मीद करें। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जो वित्त मंत्री के तौर पर बजट पेश करेंगे, बीकानेर के जो इन मुद्दों पर ध्यान देंगे, और खासतौर पर जो हमारे सूत्र, तो उम्मीद बहुत ज्यादा है, लेकिन ये उम्मीदें कितनी नजर आती हैं बजट में, इसके लिए कल का इंतजार और करना होगा। फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे से जुड़ने के लिए, जानकारी दे